गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम करने वाले हैं वो है दिसंबर 2011 सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंस का पेपर है, जिसका हम पार्ट बी कर रहे हैं। पार्ट बी में क्वेश्चन है द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा, -9 होगा, -27 होगा या 1 होगा? सॉल्यूशन कर रहे हैं क्योंकि हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिटरमिनेंट बना लेते हैं इस मैट्रिक्स का। 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 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
हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन लगाएंगे, ये इसे 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ सबट्रैक्ट कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ सबट्रैक्ट कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ सबट्रैक्ट कर दें, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा ये डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 और 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0। इसके बाद यहाँ पर जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 0 2 -3 0 0 और इसे 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 2 0 0 -3 0 0, ये 2 फिर 0 0 0 0 -3, तो ये हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। दिस इज आवर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन गया। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम क्या करते हैं कि डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 × 1 × 1 × -3 × -3 × -3, और ये क्या आ गया -27। इट मीन्स ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन 3।